मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश ये की जा रही है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को साइलो से बाहर निकाला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। हायर एजुकेशन के रेगुलेशन को भी इस पॉलिसी के जरिए और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जाए और जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हम सभी का यह सामूहिक दायित्व है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इस भावना को हम लेटर एंड स्पिरिट से लागू कर सकें।